बिखरा हुआ सामान और टूटा हुआ ये एटीएम उन बेखौफ बदमाशों के मंसूबों को बताने के लिए काफी है जो रात के अंधेरे में रीवा जिले के मझगांवा थाने के त्यूनी बैंक में घुसे थे। रात के सुन सन्नाटे के बीच बदमाशों ने बैंक को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। बदमाश बैंक के ताले चटका कर अंदर भी दाखिल हो गए, सामान को तहस नहस कर दिया और तिजोरी तक भी पहुँचते जिसमें करोड़ों रुपये थे। लेकिन एक के बाद एक ताले के पीछे रखी तिजोरी तक पहुँचना बदमाशों के लिए नसीब में नहीं था। बदमाशों ने पहला ताला तो तोड़ लिया लेकिन दूसरा ताला तोड़ने में इनका मंसूबे नाकामयाब हो गए। पूरी कोशिश के बाद भी जब बदमाश दूसरा ताला नहीं तोड़ पाए तो फिर उन्होंने बैंक के अंदर दूसरी जगह पर पैसों को तलाशना शुरू कर दिया। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद भी जब बदमाशों के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने अपना गुस्सा बैंक में लगे एटीएम पर उतार दिया और एटीएम में तोड़फोड़ करते हुए उसमें रखे पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी वो नाकामयाब रहे। देखिए, तिवनीगढ़ के गांव हैं हमारे यहाँ मनगवा थाना क्षेत्र में जिला रीवा में, वहाँ पे बैंक में एक अटेम्प्टेड थेफ्ट का केस है, यानी कि चोरी का प्रयास किया गया है। एक छोटे से जगह से घुस करके और एटीएम जो था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। कुछ और भी बैंक में जो लॉकर्स वगैरह होते हैं या संभावित जगहें होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई कि कुछ पैसा मिले, बट वो कुछ भी सक्सेसफुली तोड़ नहीं पाए और कुछ भी ले नहीं जा पाए। बट एक अटेम्प्ट जो है वो किया गया और पुलिस इसकी जांच कर रही, पूरे मामले की रजिस्टर किया गया केस। सुबह जब स्थानीय लोगों ने बैंक के ताले टूटे देखे तो उन्होंने तुरंत पुलिस और बैंक के अधिकारियों को खबर दी। खबर मिलते ही आनन फानन में पुलिस का अमला और बैंक के अधिकारी बैंक पहुंचे और जैसे ही बैंक के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ गए। पहली नज़र में तो ये लगा कि बदमाश बैंक से पैसा चुराने में कामयाब हो गए, लेकिन जब तिजोरी सुरक्षित मिली तो पुलिस और बैंक कर्मियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण कराया है जिससे उसके हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। बैंक के अंदर से एक हथौड़ा भी मिला है जो बदमाश अपने साथ लाए थे और बैंक में ही छोड़कर फरार हो गए। बैंक में हुई डकैती की ये कोशिश भले ही नाकाम हो गई लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉकडाउन के बीच जहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ ये घटना बदमाशों के बैकऑफ मंसूबों को भी दिखाती है। ऐसे में अब देखना यह है पुलिस कितनी जल्द बदमाशों की दी इस चुनौती को सुलझा पाती है और बदमाशों को सलाखे के पीछे पहुंचाती है।